तिवारीपुर थाना प्रभारी सत्यप्रकाश सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने लंबे समय से फरार चल रहे टॉप 10 हिस्ट्री सीटर को उसके एक और साथी के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए हिस्ट्री सीटर के कब्जे से चोरी की 2 बाइक, एक अवैध तमंचा और चोरी की गई 8 मोबाइल और टैबलेट भी बरामद किया है। पकड़े गए हिस्ट्री सीटर की पहचान सहनवाज पुत्र इल्तिजा हुसैन निवासी इस्लामचक थाना तिवारीपुर और उसका साथी सलाउद्दीन उर्फ सोनू पुत्र रसीदुल्लाह निवासी बख्तियार मोहल्ला थाना तिवारीपुर के रूप में हुई है। वहीं इस मामले का खुलासा करते हुए सीओ कोतवाली वीपी सिंह ने बताया कि लंबे समय से फरार चल रहे हिस्ट्री सीटर को तिवारीपुर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि सहनवाज के ऊपर दर्जनों आपराधिक मुकदमा पंजीकृत है। इसका नाम थाने के टॉप 10 लिस्ट में शामिल था। उन्होंने बताया कि मुखबिर की सूचना पर तिवारीपुर थाना प्रभारी सत्यप्रकाश सिंह अपने हमराही उपनिरीक्षक प्रदीप कुमार पांडे, उपनिरीक्षक गुरु प्रसाद, उपनिरीक्षक विकास कुमार सिंह, उपनिरीक्षक धर्मेंद्र कुमार, उपनिरीक्षक सुरजीत सिंह, उपनिरीक्षक प्रमोद कुमार और कांस्टेबल अजहर खान सुधीर वर्मा के साथ घेराबंदी कर तिवारीपुर थाना क्षेत्र के डोमिनगढ़ नया पुल के पास से हिस्ट्री सीटर सहनवाज को और उसके साथी के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम को उसके कब्जे से चोरी की 2 बाइक, एक अवैध तमंचा और चोरी की गई 8 मोबाइल और टैबलेट भी बरामद किया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कोतवाली वीपी सिंह ने कहा, प्राप्त हुई 2 पक्षों के लोग, ठीक है। आज थाना तिवारीपुर के टॉप 10 अपराधी जो काफ़ी समय से वांछित चल रहा था, शहनवाज हुसैन, ये हिस्ट्री सीटर भी है थाने का, इसे गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी महोदय द्वारा एक माह का अभियान चलाया जा रहा है अपराधियों के विरुद्ध। उसी के क्रम में हमारे थानाध्यक्ष तिवारीपुर द्वारा एएसपी साहब श्री शशांक सिंह के नेतृत्व में इस टीम ने गिरफ्तारी सुनिश्चित की है, जिनके कब्जे से 2 चोरी की मोटरसाइकिलें, 8 मोबाइल चोरी के, 1 टैबलेट्स और 1 तमंचा, 2 कारतूस बरामद हुए हैं। शहनवाज के विरुद्ध करीब 17 अभियोग पंजीकृत हैं, जिनमें लूट, डकैती, छिनैती, इस तरह के तमाम अपराध हैं। इसके अतिरिक्त इसका जो साथी सोनू उर्फ सलाउद्दीन पकड़ा गया, उसके खिलाफ भी 4 अभियोग हैं। इनकी गिरफ्तारी कहाँ से की गई? इनकी गिरफ्तारी थाना तिवारीपुर क्षेत्र से ही सूरज कुंड एरिया से की गई है और इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है।